और रायगढ़ नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का गुस्सा निगम के प्रति फूटा। लगातार कई वर्षों से नगर निगम में किसी भी सफाई कर्मचारियों को किसी भी महीने तनख्वाह सही समय पर न मिलना एवं उनकी कटने वाली पीएफ की राशि की जानकारी न देने की बात को लेकर सफाई कर्मियों के अंदर काफी दिनों से आक्रोश पल रहा था। उसी का गुस्सा सभी सफाई कर्मी निगम आयुक्त के बंगले पर जाकर घेराव कर मुख्य द्वार के बाहर हल्ला बोलकर निकाला। लगातार कई वर्षों से नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को किसी भी महीने तनख्वाह सही समय पर नहीं मिलता है और न ही उनको कटने वाले पीएफ की राशि की जानकारी दी जाती है। इसी बात को लेकर सफाई कर्मियों के अंदर काफी दिनों से आक्रोश चल रहा था। उसी का गुस्सा निगम में देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी सबसे पहले निगम कार्यालय पहुँचे और आयुक्त की गैर मौजूदगी में उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपना चाहा, पर उपायुक्त ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। तब सफाई कर्मियों के गुस्से का पारा और बढ़ गया और सभी सफाई कर्मी निगम आयुक्त के बंगले पर जाकर घेराव कर मुख्य द्वार के बाहर मुर्दाबाद के नारों के साथ हो हल्ला करने लगे। सफाई कर्मियों का साफ तौर पर कहना था कि अगर उन्हें सही समय पर तनख्वाह और उनके पीएफ राशि की जानकारी नहीं मिलती है तो वे बंगले के बाहर में धरना प्रदर्शन करेंगे। जब सफाई कर्मियों की मांगों की जानकारी निगम आयुक्त को लगी तो निगम आयुक्त ने मौके पर सभापति एवं सफाई दरोगा को बुलाकर समस्या का निराकरण करने का आदेश दिया। यदि सफाई कर्मियों की समस्या का निराकरण ठेकेदार नहीं करता है तो ठेकेदार से भी ठेका छीन लेने का निर्देश जारी किया है और सफाई कर्मियों को उनकी सारी मांगों का 24 घंटे के अंदर निराकरण करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर सफाई कर्मियों का गुस्सा शांत हुआ। सफाई कर्मचारियों की शिकायत है कि उन लोग को जो वेतन है वो समय पे नहीं मिल रहा है। वर्तमान ठेकेदार जो है, अभी निगम ने दूसरी प्रक्रिया अपना ली थी कि ठेकेदार को हम भुगतान कर रहे थे और वो कर्मचारियों को भुगतान कर रहा था, तो वो प्रक्रिया इस महीने से हमारे एक महोदय जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं। जिस तरह पहले इन लोगों का पैसा जो है नगर निगम के माध्यम से उनके खाते में जाता था, उसी तरीके से जो है इनके खातों में जाएगा और PFESI का पैसा जब वो ठेकेदार पटवा के लाके हमको रिसिप्ट देगा उसके बाद उसका कमीशन और जो PF और ESI का पैसा वो उसको भुगतान किया जाएगा। इनको हम लोगों ने ठेकेदार को बोला हुआ था कि चूँकि बारिश का वक्त है और सारे मजदूर हैं, दिन भर काम करते हैं, तो इनके लिए एक रेनकोट सभी के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग, और इन लोग को जो एक ड्रेस कोड होता है वो ड्रेस कोड भी इसने जो है अभी तक के हमारे आगे कर्मचारियों को नहीं दिया है। ये सारी इनकी मांगे थी, अब एक महोदय ने सुना है और ठेकेदार को भी तलब किया जाएगा। तलब करने के बाद जो है उनसे सारी बातें करके जो है इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारा शिकायत ये कि जब से ठेका नया ठेका हुआ है ना, उस समय से हम लोग को परेशानी पड़ रहा है। हर महीने आधार कार्ड देना पड़ रहा है, फिर भी नाम गड़बड़ी हो रहा है और वेतन का भी गड़बड़ी हो रहा है। जो कार्य पूरा कर रहा है उसको आधा पैसा मिल रहा है, जो हाफसन कर रहा है उसको पूरा पैसा मिल रहा है और बाद में बैठा दिया जा रहा है। तो जैसे 320 कर्मचारी हम लोग हैं तो 329 लोग कैसे आ गए वहाँ पर? आधे लोग तो बैठ गए हैं बहुत जने, तो फिर कहाँ से 29 लोग आए? हम लोग तो नहीं भर रहे कर्मचारी लोग, जो कोई भर रहे हाजिरी ले रहे हैं उन्हीं लोग भर रहे हैं हाजिरी ले रहे हैं, हम लोग तो नहीं। गड़बड़ी करता, कम लोगों को बुलाता है और अधिक लोगों का तनख्वाह उठा रहा है। हाँ, वैसे तो हो रहा है, अभी कम लोग का तनख्वाह भी मिल रहा है। जैसे वो ठेकेदार बोल रहा 310 का, हम लोग के सामने आया कि 320 कर्मचारी काम करेंगे और 320 कर्मचारी के नाम लिया जाएगा ना, बैठाया जाएगा, तो जब इरादा होता है तो वो नहीं आता है ठेकेदार हम लोग के पास। तो हम लोग कहाँ पास आके बताया हम लोग भाई क्या परेशानी है, पूछना चाहिए, तब तो बताएंगे हम लोग परेशानी उनको। क्या चाहते हो आप लोग, ठेका पद्धति खत्म हो? हाँ, ठेका पद्धति खत्म हो और हम लोग को निगम में दिया जाए, हम लोग को नियुक्ति भी किया जाए। इतने साल से कर रहे हैं और हम लोग बैठा दिया जाता है तो उसका बेनिफिट हम लोग मिलता नहीं। अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे बताइए ना? चोट भी आई उसका भी कुछ, जो कर्मचारी को चोट आया उसका भी कुछ नहीं मिल रहा है बेनिफिट, जो बीमार पड़ रहा है उसका भी नहीं मिल रहा है। EPF का नाम से कट रहा है पैसा, ऐसा ही नाम कट रहा है, अभी तक कार्ड नहीं मिल रहा है ना कोई इलाज हो रहा है, अपना पैसा से इलाज करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ आगे तो मिलेगा बोलते हैं, बस तसली देते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है, तो करना क्या? मेरा नाम राजेंद्र कंसारी है, अभी मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे को टारगेट लगा देंगे, बैठा देना इसको, बहुत नेतागिरी कर रहा है बोल के वही बोलेंगे। हमारा तनख्वाह लेट में मिलता है और हम लोग का तनख्वाह एक महीना का तनख्वाह 2 महीना का हो जाता है और मिलता है, और क्या बोलते हैं, हमको ड्रेस नहीं मिला है, ना साड़ी नहीं मिलता है, ना जूता नहीं मिलता है, और जब हमारा तनख्वाह बढ़ के आता है तनख्वाह भी नहीं मिलता है, बढ़ती पैसा आ गया है फिर भी नहीं मिल रहा है यहाँ। बारिश का मौसम है, आप लोग भींग के काम? हाँ, अभी बारिश का मौका है, बारिश का वो ड्रेस भी नहीं मिला है, ना कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना टाइम भी आते हैं और कुछ बोलते हैं तो बैठाने के लिए धमकी देते हैं यहाँ, और बोलते हैं किसी को हाथापाई हो जाता है, संड खेतने जाते हैं लड़का लोग, सब लड़का लोग को चोट लग जाता है, वो लोग का भी कुछ शिकायत नहीं मिलता है,
ना उन लोग को पैसा नहीं मिलता है, बीमार छीमार में पड़े हैं और मर गए हैं। आदमी का पीएफ पैसा भी हमारा कट रहा है, वो पीएफ भी नहीं मिल रहा है और बोलते हैं तो 2 महीना बैठ जाओ फिर इसके बाद में मिलेगा तनख्वाह बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं, एरियस भी नहीं मिलता है। एरियस हम लोग 3 महीना पाए हैं, 3 महीना तक, 3 साल तक पाए हैं और आगे अभी ये साल तक नहीं मिला है हमको। 5 साल हो गया हमको एरियस नहीं मिल रहा है। ठेकेदार यहाँ का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया प्लेसमेंट का, उसकी ड्रेस के लिए, बरसाती के लिए और समय पर वेतन देने के लिए 3 प्रमुख मांग थी उनकी। उसको ठेकेदार को अभी बात करूँगा, बाहर का पार्टी जबलपुर का है, उससे बात करूँगा और अगर वो नहीं मानेगा तो उसको नोटिस भी देंगे और उसके बाद भी नहीं मानेगा तो उसको वर्क ऑर्डर कैंसिल करेंगे। हमारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स में है, उनको साल में एक बार ड्रेस बरसाती देने का प्रावधान है, जूता भी देने का प्रावधान है, उसको दिलवाएंगे। अगर नहीं करेगा तो उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट निरस्त करेंगे। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।